मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम लाए हैं इंटर एग्जाम 12th क्लास के सोशियोलॉजी चैप्टर 1 पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो रह गया है दोस्तों, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आइए अपने हम समय को बचाते हुए बढ़ते हैं 12th क्लास सोशियोलॉजी के चैप्टर 1 पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब की तरफ। दोस्तों, इसका पहला सवाल है, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? फोन नंबर में हिंदू समाज में, बी नंबर मुस्लिम समाज में, वन नंबर जनजातीय समाज में और फोन नंबर सिख समाज में। सही आंसर है दोस्तों, फोन नंबर हिंदू समाज में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को कितनी राशि दी जाती है? इन फोन नंबर में है दोस्तों 1000, फोन नंबर 5000, फोन नंबर 3000, फोन नंबर 4000। सही आंसर है दोस्तों, फोन नंबर 3000। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ? फोन नंबर में है राजीव गांधी, फोन नंबर बीपी सिंह, फोन नंबर इंदिरा गांधी और फोन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर है दोस्तों, फोन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? फोन नंबर में तुलसीदास, फोन नंबर वेदव्यास, फोन नंबर चाणक्य और फोन नंबर मनु। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर मनु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियाँ नहीं है? फोन नंबर में परिहार, फोन नंबर वर्गीकृत संज्ञाएँ, फोन नंबर परिहार संबंध, फोन नंबर माध्यमिक संबोधन। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर माध्यमिक संबोधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ? फोन नंबर में राम मोहन राय, फोन नंबर रमाबाई, फोन नंबर विनोबा भावे और फोन नंबर राम मनोहर लोहिया। सही आंसर है दोस्तों, फोन नंबर राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, जिसने सती प्रथा को खत्म किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया? फोन नंबर में सर्व सेवा संघ, फोन नंबर ईसाई मिशनरीज और फोन नंबर आदिम सेवा संघ, फोन नंबर सर्व कल्याण संस्थान। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर सर्व कल्याण संस्थान में। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? फोन नंबर है 5 वर्ष, फोन नंबर 3 वर्ष, फोन नंबर 7 वर्ष और फोन नंबर 4 वर्ष। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है? फोन नंबर 2, फोन नंबर 3, फोन नंबर 4, फोन नंबर 5। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जनसंचार को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? फोन नंबर तीसरा स्तंभ, फोन नंबर चौथा स्तंभ, फोन नंबर दूसरा स्तंभ और फोन नंबर पहला स्तंभ। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर चौथा स्तंभ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? फोन नंबर में गुमनामता, फोन नंबर प्रदूषण, फोन नंबर मैं की भावना और फोन नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1856 में निम्न में से किनके प्रयास से विधवा विवाह कानून पारित हुआ? फोन नंबर राजा राम मोहन राय, फोन नंबर रमाबाई, फोन नंबर ज्योतिबा फुले, फोन नंबर ईश्वरचंद विद्यासागर। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, आपसी सहमति से तलाक मुसलमानों में कहा जाता है? फोन नंबर मुबारक, फोन नंबर मुता, फोन नंबर खुला और फोन नंबर डावर। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर मुबारक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की? फोन नंबर फोकाट एवं सेनाट, फोन नंबर हर्बर्ट रिजले, फोन नंबर मजुमदार एवं मदन, फोन नंबर जी एस गुरी। सही आंसर है दोस्तों, फोन नंबर हर्बर्ट रिजले। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया गया? फोन नंबर में है 1975 से 1985, फोन नंबर 1980 से 1990, फोन नंबर 1985 से 1995, फोन नंबर 1990 से 2000। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर 1975 से 1985 तक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस क्षेत्र के युवकों को रोजगार प्रदान करता है? फोन नंबर में ग्रामीण क्षेत्र, फोन नंबर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र, फोन नंबर नगरीय क्षेत्र, फोन नंबर आदिवासी क्षेत्र। सही आंसर दोस्तों, फोन नंबर ग्रामीण क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? फोन नंबर में 1838, फोन नंबर 1836, फोन नंबर 1800
गौ नंबर 1898, गौ नंबर 1810, सही आंसर है दोस्तों गौ नंबर 1898 ईस्वी में। जिससे यहाँ थोड़ा वीडियो को ख़राब हुआ, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? गौ नंबर में दोस्तों भूभाग, गौ नंबर समान भाषा, गौ नंबर समान संस्कृति, और इनमें से गौ नंबर सभी, सही आंसर दोस्तों गौ नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? गौ नंबर में जन, गौ नंबर वर्ग चेतना, और गौ नंबर गतिशीलता, और गौ नंबर विविध सभी, सही आंसर दोस्तों गौ नंबर जन्म। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय प्रशासन व महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की? गौ नंबर 91 एवं 92, गौ नंबर 73 एवं 76, गौ नंबर 81 एवं 82, और गौ नंबर इनमें से कोई नहीं, सही आंसर है दोस्तों गौ नंबर 73 एवं 74 संशोधन में। अगला प्रश्न है, भिन्न नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? भिन्न नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गौ नंबर में राजस्थान, गौ नंबर बिहार, गौ नंबर पश्चिम बंगाल, गौ नंबर मध्य प्रदेश, सही आंसर है दोस्तों गौ नंबर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था में कितने स्तर हैं? गौ नंबर में है 2, गौ नंबर 4, गौ नंबर 5, गौ नंबर 3, सही आंसर है दोस्तों गौ नंबर 3। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? गौ नंबर 1, गौ नंबर 2, गौ नंबर 3, और गौ नंबर 4, सही आंसर है दोस्तों गौ नंबर 3, गौ नंबर 3। अगला आखिर इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हैं? गौ नंबर में है फ्रेजर, गौ नंबर ई दुर्खिम, गौ नंबर टाइलर, और गौ नंबर मैक्स मुलर, सही आंसर है दोस्तों गौ नंबर ई दुर्खिम। दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही तक रखिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। दोस्तों तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।